हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबनी बाइकर। तो अभी टाइम हो चुका है 7:48 और अभी इस वक्त हम यहाँ यादव टी इंद्रपुरी भोपाल में तो निकल रहे हैं। अभी भोपाल से अपने बिहार के लिए चलते हैं, चाय वाय पीते। तो ये फैन चेक करो कितना बड़ा है। तो अभी गाइस इसी के साथ आ चुके हैं हम भोपाल स्टेशन पर, देख सकते इधर। और ये ले लिया अपना टिकट इटारसी तक के लिए। इटारसी यहाँ से अप्रॉक्स पड़ता है 90-100 किलोमीटर। वहाँ से अपनी ट्रेन है पाटलिपुत्र एक्सप्रेस करके जो पटना तक जाएगी, तो उस ट्रेन का टिकट है अपने पास। बट यहाँ से 90 किलोमीटर जाना है, जिसके लिए ये नॉर्मल टिकट ले लिया है जनरल का। हम आए तो जल्दी क्योंकि एक ट्रेन 8 बजे थी, बट वो ट्रेन छूटी है क्योंकि रूम से निकलने में टाइम लग गया था। तो अब पकड़ते हैं 9 बजे वाली ट्रेन, जो कि अप्रॉक्स अभी का टाइम 8:30 का टाइम था, बट 1 घंटा लेट है। तो 9:35 में आएगी वो ट्रेन लेकर के, फिर चलते हैं इटारसी। इटारसी से भी ट्रेन चेंज करेंगे। स्टेशन के ऊपर जोर बजा रहा है। भीड़ चेक करो एक बार कितना ज़्यादा है इसमें। पता नहीं इसमें कैसे चला जाएगा। एक स्टेशन जाना अपने को मात्र 90 किलोमीटर है, 1 स्टॉप है, बट 1 स्टॉप के लिए भी देखते हैं कैसे होता है। तो अभी पहुंच चुके हैं अपन इटारसी में, इटारसी स्टेशन। और अभी मेरी जी यहाँ से दूसरी ट्रेन है वो अप्रॉक्स 1.5 घंटा बाद है यहाँ से। तो चलते अभी बाहर, चलता ही बाहर थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर आते हैं, वो ट्रेन का टाइम हो जाएगा जब तक। और अभी इस पर चढ़ने में मेरा सांस फूल रहा है पूरा, नीचे से ऊपर आने में। तो गाइस अपना नाश्ता आ गया, मटर पनीर है, दाल फ्राई है, दाल मखनी है, चावल है, रोटी है, सादा खाना। खाना इंजॉय करते फिर निकलते हैं यहाँ से, स्टेशन के लिए दूसरी ट्रेन है। फाइनली 2 घंटा इंतजार करने के बाद अब जाके अपनी ट्रेन आई है। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर, और मेरा गोप्रो डिस्चार्ज हो गया जिसकी वजह से मैं ये फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। चलते हैं फिलहाल गोप्रो चार्ज वार्ज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। तो आ गए अपनी सीट पे भी, ये मिडिल बर्थ सीट है और बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे। फिलहाल सीट वीट लगाते हैं, सो जाते हैं, मिलते हैं शाम में या फिर कल मिलते डायरेक्ट। तो अभी हो गया शाम का 6 और टाइम हो रहा है इधर 6:37 और MP से अभी निकल रहे हैं हम। इसके बाद जो स्टॉप आएगा वो MP का लास्ट स्टॉप होगा, उसके बाद UP में एंटर कर जाएंगे अपन। तो चलते हैं अब सीधा, मिलते हैं पटना में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह का बज रहा है 7:45 और इस वक्त आ चुके हैं हम यहाँ पाटलिपुत्रा जंक्शन के पास पटना में। तो अभी हाँ वेलकम है बिहार के अंदर, चलते हैं यहाँ सामान वन डाल दिए ऑटो में, निकलते हैं अब यहाँ से बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड अप्रॉक्स यहाँ से आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। तो इसी के साथ आ चुके हैं अपन पटना बैडिया बस स्टैंड के पास, और देख सकते हैं अपने मेरे पीछे में ये रहा बस स्टैंड, द हाईटेक बस स्टैंड ऑफ पटना। चलते हैं देखते हैं यहाँ से अपने मधुबनी का बस के लिए मिलता है वो लेते हैं। तो अभी 9:22 हो चुका है और अपन आगे कौन सी बस है, शिवगंगा है, जय भोलेनाथ है। ये सकड़ी तक जाएगा अप्रॉक्स AC में, इसके पीछे था एक मधुबनी के लिए बट वो नॉन AC है। तो अभी गर्मी इतना दिख रहा है नॉन AC में जा नहीं पाएंगे अपन, तो चलते हैं इसी से सकड़ी तक, वहाँ नहीं होगा तो बाइक बुलवा लेंगे। और ये है अपनी बस, ऐसा कुछ सीट है, पूरी बस अभी खाली है बट बोल रहे हैं 8-10 मिनट टाइम है निकलने में बस। अरे बाबा, तो अभी मुजफ्फरपुर से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर आगे हम लोग निकल चुके हैं, मतलब जहाँ तक ये बस हमको छोड़ेगी वहाँ से अप्रॉक्स 60-65 किलोमीटर पहले हैं। और बस में भाई हालत ख़राब हुआ पूछो मत, यहाँ से निकले हैं जब पटना से निकले हैं तो डायरेक्ट मुजफ्फरपुर वाला 4 लाइन रोड है, ऐसा रोड है, बट वो रोड पे पता नहीं आज बस को क्यों डाइवर्ट करवा दिया और महुआ होकर के सिंगल लाइन रोड पर आ गया। सिंगल लाइन रोड पर इतना दिक्कत किया ये बस, इतना दिक्कत किया अप्रॉक्स वहाँ से हमको 60-70 किलोमीटर ये सिंगल लाइन रोड मिलाया, बस पूरा बॉडी को तोड़ दिया है। चलते हैं अभी थोड़ा ना खाना वाना खाते हैं, खाना निकल रहा है। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं अपन दरभंगा दिल्ली मोड़ बस स्टैंड पर, देख सकते हैं दिल्ली मोड़ का हाल। वो बस जो आई थी उसको मतलब टाइम लगेगा अप्रॉक्स 1 घंटा था, अपने पास टाइम था नहीं तो बस चेंज कर ली। यहाँ से चलता सकड़ी, देख रहे गर्मी कितना ज़्यादा है, और एक तो ये नॉन AC बस में ला के बैठा दिया। चलते फिलहाल यहाँ से अप्रॉक्स 12-13 किलोमीटर है और इसी तरह झेलते हैं इस बस को, और उसके बाद
चलते हैं, अपनी बाइक आई हुई है, बाइक लेकर के फिर निकलते हैं सकड़ी से। तो भाई अपन उतर गए सकड़ी में, देखो कौन सा माया लेने के लिए भाई। इधर अपनी लहला को लेकर आया है। क्या जी कपड़ा में चलो चलाते हैं भाई, इतना दिन बाद अपनी लहला को चलते भाई लेके चलते।